सीजीएसटी और एसजीएसटी की बजाय भुगतान किए गए आईजीएसटी के लिए रिफंड एप्लीकेशन अलग से दाखिल किया जाता है, कोई एडजस्टमेंट्स अलाउड नहीं है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह आपके साथ और आज पेश करते हैं जीएसटी से संबंधित एक बड़ी खबर, जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी क्लेम करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा पारित यानी पास किए गए हैं नए दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस। याचिकाकर्ता यानी पेटिशनर अलग अलग स्टेट्स में स्थित बिजनेस उपयोग के लिए अलग अलग व्यक्तियों को किराए पर यात्रियों के परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर वाहन यानी मोटर व्हीकल देने के बिजनेस में लगा हुआ है। इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया गया कि एक लेन देन में यानी एक ट्रांजैक्शन में उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी के भुगतान के बजाय आईजीएसटी का भुगतान किया था। विभाग ने सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान करने के लिए निर्धारित यानी एसएससी को कारण पूछा यानी कि उसके लिए नोटिस जारी किया गया। पेटिशनर ने इस नोटिस को रद्द करने और सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए भुगतान किए गए आईजीएसटी के एडजस्टमेंट के लिए आगे के प्रोसीजर के लिए रिट याचिका दायर की। तब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पेटिशनर ने तेलंगाना राज्य को अपनी आईटी सिस्टम में आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में मैप किया है और सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान करने के बजाय गलत तरीके से आईजीएसटी का भुगतान किया है। आईजीएसटी एक्ट की धारा 19(1) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति जिसने सप्लाई पर आईजीएसटी का भुगतान किया है, जिसे उसके द्वारा इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है लेकिन वो असल में एक इंट्रास्टेट सप्लाई है, उसका रिफंड दिया जाएगा। आईजीएसटी के अकाउंट का भुगतान इस तरह से और ऐसे कंडीशंस में माना जा सकता है, इसलिए असेसी आईजीएसटी के रिफंड के लिए अलग से एक एप्लीकेशन दायर कर सकता है, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ आईजीएसटी के एडजस्टमेंट क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ गलत तरीके से भुगतान किए गए आईजीएसटी के एडजस्टमेंट का कोई प्रोविजन नहीं आया है। इस प्रकार अदालत ने पेटिशनर को कारण बताओ नोटिस का पालन करने और सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान करने का निर्देश दिया और ये गलत तरीके से भुगतान किए गए आईजीएसटी के रिफंड के लिए आईजीएसटी एक्ट की धारा 19(1) के तहत एक एप्लीकेशन दायर कर सकते। इसलिए अगर आपसे भी ऐसी गलती हुई है या अभी तक आपको ये पता नहीं था तो ये खबर आपके लिए बेनिफिशियल न्यूज हो सकती है और आप अपना आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी रिफंड कुछ इस तरह से क्लेम कर सकते हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। ऑल लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।